देख सकते हैं यहाँ पर रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और किस तरह से पब्लिक का हंगामा शुरू हो गया है। ये पहली बार रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ ठहरा हो रहा है पहाड़पुर स्टेशन पे और किस तरह से लोगों में खुशी का माहौल है, तस्वीर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर स्वागत के लिए लोग फूल और माला लेकर खड़े हैं, देखिए आगे बढ़ाएंगे, आगे दिखाएंगे। यहाँ पर पायलट को माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा, इस तस्वीर को देखेंगे। पहली बार इस ट्रेन का यहाँ ठहरा होने वाला है पहाड़पुर में रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस का, देखिए यहाँ पर फूल और माला के साथ जो है वो स्वागत किया जा रहा है, पहनेंगे। इस तस्वीर को देख लेंगे, इस तस्वीर को देख लीजिए, इस तस्वीर को देख लीजिए किस तरह से खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों में काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि इस ट्रेन की ठहराव के लिए लगभग कई सालों से, यानी यूं कहे तो दशकों से इसकी मांग की जा रही थी। और आज देखिए इस तस्वीर को देखिए किस तरह से यहाँ का जनप्रतिनिधि काफी खुश दिखाई पड़ रहा है। तो ये तस्वीर है, पब्लिक का भीड़ दिखाइए, पब्लिक का भीड़ दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए। एमपी गया एमपी भी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर जो है वो काफी खुशी का माहौल है। और यहाँ पर जनता यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, गया एमपी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर एमपी साहब जो है वो रवाना करेंगे। इस तस्वीर को दिखा देंगे तो काफी खुशनुमा ये पल है। और इस तस्वीर को एक बार दिखा दीजिए कि गया के सांसद विजय मांझी जी जो है वो हरी झंडी दिखाकर स्वागत कर रहे हैं। पब्लिक का जो है वो काफी भीड़ लग चुका है, काफी ये जो है खुशनुमा पल है। और यहाँ पर सांसद विजय मांझी जी हरी झंडी दिखाकर यहाँ से जो है वो ट्रेन को रवाना करेंगे। आगे नहीं आ रहा है, वहाँ हरी झंडी वाला आ रहा है ना, हरी झंडी दिखाकर हाथ हिलाकर लोग अभिवादन कर रहे हैं। देखिए काफी खुशी का माहौल है, काफी खुशी का माहौल है। बाय बाय जनशताब्दी, बाय बाय, कल से इसका आगमन यहाँ शुरू होगा। लोग हाथ हिलाकर टाटा बाय बाय कर रहे हैं और इस ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कल से फिर इसका ठहराव किया जाएगा, रेलवे बोर्ड ने इसकी अनुमति जो है वो दे दी है। और यहाँ पर चलिए हटिए हटिए हट जाइए आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे, काफी खुशी का माहौल है। बहुत काफी खुशी की बात है सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज फतेहपुर के लोगों को नहीं बल्कि फतेहपुर के इलाका पहाड़पुर के इलाका के सभी लोगों को जो चिर प्रतीक्षित मांग था आज पूरी हुई है। और हम आपको बता देना चाहते हैं, आप पहले भी इंटरव्यू लिए थे, उसी समय हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया था जो जीएम साहब के साथ हम लोग का धनबाद में मीटिंग हुई थी और उसी मीटिंग में जो हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, जो पशुपति पारस सिंह जो थे हमारे धनबाद के एमपी साहब, ये सूचना मिली थी कि आप जाकर धनबाद में अड़ गए थे कि जनशताब्दी का ठहराव कीजिए नहीं तो धरना दिया जाएगा, क्या सही बात है? नहीं नहीं बिल्कुल धरना है, हमारे वहाँ पर जो अध्यक्षता कर रहे थे पारस सिंह जी जो धनबाद के सांसद, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि नागेंद्र बाबू आज जिस प्रकार से बात रखने का काम किए हैं आगे आने वाला समय में निश्चित रूप से जनशताब्दी आपका रुकेगी। और जो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, हर प्रकार का जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पूरा का पूरा हम इस इलाका के बारे में जितना भी हमारा स्टेशन था सबको खाका रखने का काम किए थे। और उसी समय हम आपको बता दिए थे, इंटरव्यू हमसे लिए थे कि जनशताब्दी आने वाले समय में निश्चित रूप से पहाड़पुर स्टेशन में जनशताब्दी रुकेगी। एक बार ताली नगेंद्र यादव जी के लिए होना चाहिए, काफी उन्होंने मेहनत किया है, काफी खुशी का माहौल। यहाँ पर देखिए रेलवे के अधिकारी है और इन्होंने भी काफी प्रयास किया, प्रयास तो एकदम जो है वो सफलता मिल गया है, काफी खुशी का माहौल है, पब्लिक जो है काफी भीड़ जुटी हुई, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों? खुशी तो हुई लेकिन अभी थोड़ा और प्रयास करना है, और ट्रेन रुकवाने के लिए और प्रयास करना है, लोगों के जल सुविधा को और देना है, इसलिए कि हमारा स्टेशन पहाड़पुर स्टेशन अमृत भारत के अंतर्गत आता है और जब अमृत भारत के अंदर आएगा तो अमृत जैसा हमको फल भी मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे अधिकारी जिस क्षेत्र में रहेंगे वहाँ का विकास निश्चित होगा और जनता की मांग जो है वो निश्चित तौर पर पूरी होगी। यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ लगा है, सभी इंतजार कर रहे थे इस ट्रेन का और कल से इस ट्रेन का ठहराव होगा और लोग यहाँ से सीधे रांची के लिए सफर करेंगे। धन्यवाद, मैं सुमन राठौर गया से।